छोटे बजट और बिना स्टार्स की फिल्में अपनी रिलीज का इंतजार करते करते वर्ल्ड टूर कर लेती हैं। वो लगातार फिल्म फेस्टिवल में घूमती रहती हैं जहां उनकी कद्र होती है, उन्हें सराहा जाता है। अपने यहां बनी एक ऐसी ही फिल्म फिलहाल अपने दौरे पर है। फिल्म का नाम है नामदेव भाऊ, इन सर्च ऑफ साइलेंस, मतलब नामदेव भाऊ जो शांति की तलाश में है। हाय, आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। ये फिल्म अगस्त में होने वाले प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में दिखाई जाने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला है। इस फिल्म से रिलेटेड सारी ही चीज़ें अजीबोगरीब हैं जो इससे पहले बहुत ही कम हुई या सुनी गई। नामदेव भाऊ से जुड़ी 5 बातें हम आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहली बात, फिल्म की कहानी। ये कहानी है एक 65 साल के नामदेव भाऊ की जो मुंबई में ड्राइवर हैं। इन्हें मुंबई का शोरगुल हो हो पो पो बिल्कुल नहीं पसंद है। नौकरी के बाद घर जाते हैं तो बीवी लगातार बोलती रहती है। इनके जीवन में शांति की भारी कमी है। एक दिन भाऊ सब छोड़ छाड़ कर लद्दाख की साइलेंट वैली नाम की एक जगह चले जाते हैं। दिक्कत ये है कि वो वहाँ भी शांति महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पुराने वाले भाऊ को भी साथ लाए हैं। कहने का मतलब वो भीतर वाली शांति को ढूंढने बाहर आ गए हैं। शांति और इनका मसला अभी चल ही रहा था कि उन्हें जर्नी में एक 12 साल का बातूनी बच्चा मिल जाता है जिसका रेड कासल पहुंचने का गेम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो गेम काफ़ी सीरियस हो जाता है जो इन दोनों किरदारों में काफ़ी बदलाव लाता है। इन दोनों को कई नई चीज़ें पता चलती हैं। एक दूसरे के अनुभव शेयर करने के बाद उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, या यूं कहें कि इस यात्रा के बाद इनकी जिंदगी ही बदल जाती है। दूसरी बात, विदेशी डायरेक्टर जो अब इंडिया में ही रहती हैं और फिल्में बनाती हैं। डार गै, ये डायरेक्टर साहिबा का स्टेज नेम है। पूरा नाम डारिया गैकलोवा। यूक्रेन में पैदा हुई थी, वहाँ सालों तक थिएटर में काम करने के बाद वो इंडिया आ गई थिएटर और फिल्म से जुड़ी चीज़ें पढ़ने के लिए। शुरुआत हुई सिंधिया स्कूल ग्वालियर से। इसके बाद वो सुभाष घई के फिल्म स्कूल विस्लिंग वुड्स में बच्चों को स्क्रीन राइटिंग पढ़ाने लगी। डारिया ने यहाँ पहली बार एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की और उसे अनुराग कश्यप को दिखाया। अनुराग ने कैमरा वर्क से जुड़े कुछ टिप्स उन्हें दिए। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी 3.5। ये फिल्म 35 से ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और 12 अवार्ड्स जीते इसने। उसके बाद डारिया ने अपनी अगली फिल्म बनाई है जिसका नाम है नामदेव भाऊ इन सर्च ऑफ साइलेंस। डार पिछले 7 साल से इंडिया में है और यहाँ रहकर यहीं की भाषा में दुनिया भर के लोगों के लिए फिल्में बनाती हैं। तीसरी बात, फिल्म का आइडिया कहाँ से आया था ये वाली। डारिया अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो अपनी पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट कर रही थी तभी उन्हें इस फिल्म का आइडिया आ गया था। उन्होंने बताया कि वो अपनी टीम के एक साथी को ये बता रही थी कि मुंबई में इतना शोर होता है कि इंसान अपने भीतर की आवाज़ और विचार को भी सुन नहीं पाता है, और ठीक उसी समय डारिया को इस फिल्म का आइडिया आया। चौथा पॉइंट, फिल्म का हीरो। ऑब्वियसली वो तो स्टोरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे फिल्मों में लीड रोल करने वाले को ही हीरो कहा जाता है। उस लिहाज से डारिया के नारायण भाऊ काफ़ी बूढ़े थे, 65 साल के, और दिलचस्प बात ये है कि वो एक्टर भी नहीं थे। फिल्म में नामदेव भाऊ का कैरेक्टर नामदेव गुरव नाम के एक्टर कर रहे हैं। नामदेव प्रोड्यूसर धीर निर्मल मोमाया के ड्राइवर थे। डारिया ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म के लिए उन्हें ऑडिशन कर लिया। नामदेव ने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। ऑडिशन के बाद उन्हें फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया और आज की डेट में वो आदमी एक्टर अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, विजय सेतुपति, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना और विकी कौशल जैसे सुपरस्टार्स और एक्टर्स के साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। नामदेव के साथ 12 साल के लड़के के रोल में आर्या दवे और मुक्काबाज फेम एक्ट्रेस जोया हुसैन भी नजर आएंगी। पांचवी बात, नामदेव भाऊ की शूटिंग पूरी तरह से लद्दाख में हुई है, और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म को शूट करने के लिए एक्टर्स के अलावा सिर्फ 7 और लोग थे। जो डायरेक्टर 100 लोगों के क्रू के साथ फिल्में शूट करते हैं उनके लिए डारिया एक नज़ीर है। इस फिल्म को दुनिया भर के कई फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जा चुका है। ये बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूशन, लंदन फिल्म फेस्टिवल, मुंबई फिल्म फेस्टिवल और धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है। अब इसके प्रीमियर की बारी है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ये फेस्टिवल 8 से 17 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जहां इस साल शाहरुख खान को एज चीफ गेस्ट बुलाया गया है।
दुनिया भर घूम चुकने के बावजूद इस फिल्म के इंडिया में रिलीज होने के बारे में अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी सुनकर जरूर कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।